रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। यूपी के पीलीभीत में थाना बरखेड़ा क्षेत्र में दो पक्षों में जमीन व राशन कार्ड के विवाद को लेकर चली गोली। मामला बरखेड़ा थाना क्षेत्र के बहादुरपुर हुक्मी गांव का है। गांव के रहने वाले बाबूराम ने कई ग्रामीण के राशन कार्ड के लिए अपात्र बताते हुए पूर्ति विभाग में शिकायत की थी। जब गांव वालों ने बाबूराम से शिकायत का कारण पूछा तो वह इसी बात पर आग बबूला हो गया और अपनी बंदूक से फायर कर दी। घटना के दौरान पास में ही गन्ने से लदी ट्रॉली पर रस्सा बांध रहे विशंबर दयाल नामक के बुजुर्ग व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत गंभीर बुजुर्ग को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। संवाददाता निजाफत अली की रिपोर्ट। विनोद कुमार। और ये जो जिनको गोली लगी है कौन है आपके? हमारे पिताजी हैं। क्या मामला, क्या बात हो गई? जो ट्राली भरने जा रहे थे रस्सी खींचने के लिए, अचानक मामला हो गया था, किसी ने पता नहीं क्या किसने कर दिया इनके और चोट लग गई थी। किस जगह की घटना है? घटना ये लगभग 7:30 के बीच की बात। किस जगह की, कौन से गाँव की? ये बहादुरपुर की है। बहादुरपुर की है। ये नहीं पता लगता है कि गोली क्यों मारी है किसी ने? क्या ये नहीं पता चला सर कितने गोली मारी थी इनके। क्या किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजित? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी किसी रंजित नहीं थी। अभी डॉक्टर क्या बता रहे हैं यहाँ पर? डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से रेफर कर रहे हैं मरीली के लिए। सीरियस हालत है। बरखेड़ा से पेशेंट आया है CHC से रेफर होकर, अभी क्या स्थिति है उसके पैर की? इसका मेडिकल जो है बरखेड़ा में हो गया था, इसके लेफ्ट लेग में गोली लगी हुई है और क्रश इंजरी हो गई है, एक तरह से बोन काफ़ी डैमेज हो गई है। हमने सर्जन डॉक्टर RS यादव को केस से रेफर किया था, उन्होंने भी आके देख लिया है और उन्होंने इसको बरेली हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। और बाकी पेशेंट की स्थिति सही है, नॉर्मल है पेशेंट, कुछ ऐसा नहीं है। और बाकी इलाज होगा, सही हो जाएगा। कोई डॉक्टर पैर ठीक हो जाएगा? पैर ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन से ही सही होगा। उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? थाना बरखेड़ा क्षेत्र में ये रात्रि की घटना है, जिसमें दो पक्षों के मध्य जमीन को लेकर आपस में विवाद हो रहा था। उसी में एक पक्ष द्वारा अपनी लाइसेंसी राइफल से फायर किया गया, जो कि वहाँ खड़े तीसरे व्यक्ति के पैर में जाकर लगी, जो कि इस पूरे वाक्य में बाहर से उसको खड़े देख रहा था। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके चोट लगी थी उसको रेफर कर दिया, पहले जिला अस्पताल भेजा गया, वहां से हायर सेंटर बरेली के लिए रेफर कर दिया गया। खतरे से अभी वो बाहर इलाज चल रहा है और इसमें जिसके द्वारा ये फायरिंग की गई थी उसको पकड़ लिया गया है। उससे जो उसने लाइसेंसी हथियार इसमें प्रयोग किया गया,